फिरोजाबाद की जिला जेल में महिला बंदियों ने स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिला बंदियों ने नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को फिरोजाबाद की जेल की चार दीवारी के अंदर बंद महिला बंदियों ने नाटकों के माध्यमों से स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत लोगों को जागरूक भी किया। इस मौके पर फिरोजाबाद की मेयर नूतन राठौर की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि समाज हित के ऐसे ही कार्यक्रम जेल में होते रहते हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। हेच न्यूज के लिए राजा यादव की ये रिपोर्ट। और आप सभी भी काफी काफी जागरूक हैं। मैं और मेरे नगर निगम की टीम और पूरा फिरोजाबाद शहर मेरे साथ है इस स्वच्छता अभियान में। और आप जब भी यहाँ से निकले मेरे से जरूर बात करें, मेरे से जरूर मिलें। हम सारण जी की जयंती को मनाया गया, मैंने बहुत भाग लिया, काफी जगह पर कार्यक्रम रखे गए थे। अगर आप जानते हो हमारे स्वामी विवेकानंद जी जिनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि मानव जाति की सेवा द्वारा ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है, पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो मैंने भी उसी क्षेत्र में अग्रसर होकर इस चुनाव को लड़ा और बड़ी जीत हासिल की और पूरे फिरोजाबाद की जनता के सहयोग से मैं इस पद पर खड़ी हुई हूँ। और मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, उनके इस सिद्धांत के साथ उनके इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है और इस समाज के हर वर्ग के हर तबके के लोगों के साथ मिलकर इस नगर की सेवा करनी है। अगर आप सब लोग भी यहाँ से निकलकर कभी बाहर आए तो मेरे से जरूर मिलें, हम सब साथ मिलकर इस नगर की सेवा करें। ये हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारे जेल की महिला बंदियों ने दो नाटक बहुत ही जोरदार ढंग से इन दोनों विषयों पर प्रस्तुत की और बहुत अच्छा संदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए और सफाई के लिए दिया गया। उसके साथ ही राष्ट्रीय युवा सप्ताह चल रहा है, विभिन्न तरह की खेलकूद की गतिविधियों का भी आयोजन किया गया और महिलाओं बंदियों ने और पुरुष बंदियों ने दोनों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया।